हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओरिजिनल ऋषभ नमस्ते मेरा नाम ऋषभ धानुका है एंड वेलकम टू माय चैनल ओरिजिनल आज हम बात करेंगे ऑनलाइन और आई वुड से सोशल मीडिया गैंगस्टर्स के बारे में बहु बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट उससे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए हालांकि टू लोक क्लोजली क्लिप को ध्यान से देखिएगा तो वीडियो शुरू करते हैं दिखाते हैं मेरा नाम है कौर। और आप लोगों ने कभी ना कभी मुझे किसी न किसी वीडियो में देखा हुआ आज एक व्यक्तिगत समस्या के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जिनसे बात कर तो ये अगर आपको कॉन्टेक्स ये अगर इनका चैनल दिखाया जाए यूट्यूब पे आ, इनका नाम है सम्राट भाई या ऑलरेडी ऑलरेडी गैंगस्टर साउंड करने का ट्राई है आई मीन इट व्हाट इट इज़ ठीक है इनका बेसिक कंटेंट आप ऊपर से करके देख सकते हो दूसरे को दिखाने का एक इत... देखो आई ब... से बहुत हद तक बहुत सारे कंटेंट अच्छा है बहुत सारा कॉन्टेंट आज से बहुत सारा अपना मतलब आज से एटी परसेंट कॉन्टेंट मेरे हिसाब से बायस्ड है ठीक है एटी परसेंट ऑफ द कंटेंट जो यहाँ पे देखते हो बायस्ड है अ अ लाइक पर्टिकुलर ऑडियंस क्योंकि मैक्सिमम uh, कंटेंट uh, जो इनका है वो ये भाई डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम जैसे है जैसे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम पहले मैं उनको फॉलो भी करता था मैं फॉलो कर चुका हूँ आगे देखो कॉन्टेंट

ये एफ आई भेज दियो भाई ये लॉ सूट भेज दियो हम देख लेंगे हमारे यहाँ तो लॉयर की वो दिक्कत नहीं ये दिक्कत नहीं है और जब ऐसे कोई लफड़े होते है जब रियल लाइफ में लफड़े हो जाते हैं तब इनको भाई असली इनकी जो गैंगस्टर गिरी है भाई नॉर्मल इंसान पर आती है हाँ भाई मैं तो मैं छोटा आदमी हूँ भाई मुझे ये शेयर कर दो और अवेयरनेस फैला दो बट जब जब इंटरनेट में भिड़ने की बात आई किसी से भी घुट जाएंगे कह देंगे भाई हम तो भाई विधायक को जानते हैं हम हमारी पहुँच इतनी है हम भाई हमारी हिंदू समाज ये है वो है और जब जब असली सिचुएशन में आती है तब तो, तो भाई इंटरनेट में आके भीख मांगनी पड़ती है ये कैसी है उसके द्वारा जाते है। है। जाते और उसके मुसलमान तथा द्वारा इस तरीके की धमकियां दी जाती हैं हाथ जोड़ के विनती दे, है मेरे पूरे हिंदू समाज से आज हाँ ये देखो अभी अभी देखा ना ये कैसा ये मैनिपुलेशन प्ले चल रहा है उसकी पति मुस्लिम है और हमें मदद हिंदू समाज से तो इस वीडियो को देखते ही आपको समझ आएगा इसका कंटेंट कैसा है अब आप देख लो ये मदद मांग रहे हैं हिंदू समाज से तो जो वीडियो देख रहे हैं जो जैन है क्रिश्चियन है जो पारसी है वो सब तो भाई वीडियो से हट जाओ क्योंकि आपसे तो मदद मांग नहीं रहा है सिर्फ हिंदुओं से मांग रहे हैं और बाकी ये जो माइनॉरिटी है इससे इनको फर्क नहीं पड़ता ये इंडिया को दिखाना चाहिए इसका हर वीडियो में ये हिंदू 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 करता है ऐसा नहीं कि भाई इंडिया एज अ कलेक्टिव यूनिट है जहाँ पे हर रिलीजन को या हर से रिलीजन री, रिलीजन या कोई भी जगह को इक्वल इंपोर्टेंस देता है ये ये है कि भाई हिंदू समाज है हिंदू समाज एकता रहेगा ये वो रहेगा इंडिया को पूरा हिंदू बना देंगे ये कर देंगे अरे भाई इस्लाम इसलिए इस्लाम इसलिए बननामें क्योंकि उसको एज अ वेपन यूज किया जाता है बहुत सारे जगह में एजेंडा पुश करने के, के लिए अब आप अगर हिंदुइज्म के साथ ही ऐसा करने लगोगे जो हिंदुइज्म जो इतना जो हिंदुइज्म की जो गुड क्वालिटीज है वो ओवर शेडो हो जाएंगी आपकी चुतिया आपके कारण और ऐसे एक क्रिएटर नहीं है ऐसे लाखों क्रिएटर है जो हिंदुइज्म को एज अ वेपन यूज करते और बोलते हैं भाई हिंदुज्म खतरे में है हिंदू भाई हिंदू भाइयों की मदद नहीं कर है भाई ये हिंदू मुस्लिम क्या खेलने का भाई इंडियन है इंडियन इंडियन की मदद करेगा या हम सब इंसान है एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करेगा आज तक किसी क्रिएटर को जो बड़े क्रिएटर जो सा, जो सा, जो पढ़े लिखे क्रिएटर किसी को देखा हिंदू मुस्लिम या, या ये ये इंडिया का है ये अमेरिका का है ये, ये वेस्ट बर्चिनिया कह रहा है भाई है इंसान इंसान है इंसान इंसान से बड़ा वो गलत है ये सही है, है ये सब रिलीजन लाने की जरूरत है हर जगह ये वही करता है अब इस ये इस, 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 इस सिचुएशन से क्या हेल्प लेगा ये

नमस्ते दोस्तों आप। और और ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है ये एक्चुअली पीपॉय का है देखो पीपॉय से भी मेरे को यही सेम दिक्कत है कुछ 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 कौ कुछ में ये बायस रहता है कुछ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज में न्यूट्रल रहता है देखो आई अंडरस्टैंड दैट इन लाइक एवरी सिचुएशन में हर आदमी को अग्री या डिस नहीं कर सकता देखो मैं हंड्रेड परसेंट किसी से अग्री भी नहीं कर सकता मैं हंड्रेड परसेंट किसी भी नहीं कर सकता तो आई कैन अंडरस्टैंड पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए पीपल को सब्सक्राइब करता हूँ क्योंकि कुछ कुछ इनके पॉइंट ऑफ व्यू मैं अग्री करता था कुछ अग्री करता बट सम्राट भाई ऐसे वो पूरे भाई पूरे कोने में चले जाएंगे मतलब कोई पूरे लेफ्ट मतलब एक्सट्रीमिस्ट हिंदू बन जाते हैं मतलब भाई एक होता है जो भाई हम अपना रिलीजन फॉलो करते हैं बट हम साथ साथ दूसरे का एक्सेप्ट करते हैं ये कि भाई हमारा रिलीजन महान बाकी तुम्हारा रिलीजन चुदा ऐसा हालत है इनका और ऐसे एक नहीं लाखों हैं और ऐसे ये जो है ये यूथ को इन्फ्लुएंस ऐसे करते हैं खुद तो है ही मादर छोध ऐसे यूथ को भी ऐसे इन्फ्लुएंस करेंगे भाई इज अल्टीमेट हिंदुइज्म खतरे में मुस्लिम इन्वेट कर रहा है सिखम इन्वेट कर रहा है ये इन्वेट कर रहा है वो इन्वोट कर रहे बाकी रिलीजन्स को ऐसा दिखाते कि भाई वो वो तो सब हिंदुजम को ही अटैक कर रहे हैं भाई अरे भाई कुछ तो शर्म कर लो भाई इंटरनेट में हो भाई सारे तो छूते नहीं बैठे है है, है माधर चो जो रिक्शा वाले चाय वाले या या जो भी रास्ते में जो भी ठेला बैठाने वाले जिनको ये सब चीजों से भाई दिमाग ब्रेन वॉश हो जाएगा जो पढ़े लिखे है ना है पढ़े लिखे में भी छूते हैं वैसे नहीं पढ़े लिखे में छूती नहीं है जो पढ़े लिखे है ना दो बार बस सोचेंगे तुम्हारा तुम्हारा कमेंट सेक्शन में तो आधे आधा कमेंट तो तुम उड़ा देते हो भाई गान में रखने का है नहीं तुमको अब तुमको भाई फिर सारा अच्छा अच्छा कमेंट रखोगे दिखाओगे भाई हाँ भाई फुल सपोर्ट सम्राट भाई वो सब डाल दोगे और जो जिस क्वेश्चन कमेंट में तुम्हारा क्वेश्चन करेगा कोई उसको तुम तो उड़ा दोगे या हाइड कर दोगे आजकल तो हाइड का ऑप्शन आ गया यूट्यूब तो भाई पूरे पुसी बन गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं लाइक इवन 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 आए गो टू द चैनल लाइक हम उनके चैनल में अगर जाएंगे उनका रिसेंट वीडियो था भाई बेसिकली इंस्टाग्राम लाइक गैंगस्टर्स को लाइक बताना और भाई ये कम्प्लीटली भाई पोलिटिकल लगता है जब वो खुद एज एन गैंग करते हैं ऑल दो उनका आई गेस कंटेंट काफी हद तक ट्रांसफॉर्म हुआ है पहले वो ज़्यादा ही मतलब वो, वो उस लेवल का था मतलब अल्ट्रा अग्रेसिव था अभी थोड़ा तो रीनियर हो गया आई गेस इसी इसी केस में आई गैस हम लोग और इम्प्रूवमेंट दिखना चाहेंगे कैरी मनाटी लक्ष चौधरी इन लोग का वीडियो कॉन्टेंट भी थोड़ा सा अभी सॉफ्ट हो गया, है। पहले बहुत ज्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव और मतलब कि किस हद तक नहीं जाना चाहिए बट ऑन दैट नोट मेरे को लगता है कि लाइक uh, like, मेरा ओपिनियन में है कि ये ये जो इंस्टेंट गैंगस्टर्स है जैसे कि भाई अल्प यादव को भी देख लो भाई वो और मैक्सटन को भी देख लो मैक्सटन भाई अपनी वीडियो में हजारों लोगों को हजार बार गाली देता है और लास्ट में भाई अगर ए, ए, एल यादव के वहाँ पे आके भाई आता है जाता है वहां पे उसको बुलाता है फिर वहां पे मिल जाता है क्या होता है स्क्रिप्टेड है नहीं है मेरे को बैक बैक, बैक, बैक बैक स्टेज का सीन नहीं पता तो आई ऑन एक्ट बट लाइक ऐसे हजारों लोग हैं जो भाई ऐसे भाई भाव खाने के लिए कुछ भी किस भी हद तक जाता है और कांड ऑफ बहुत लगता है रेडिंग लगता है मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया मैक् जब मैंने मैक्सन को भी कॉल आउट किया था जब वो कोरिया वाला सीन था जब किसी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कहा था कि को कोरियन इंडियंस वाला सीन और से मैक्सन ने अपना ओपिनियन दिया मैंने फिर कहा था भाई जो चार दीवारी में चौबीस घंटा बैठा रहता है वो ज्ञान नहीं दे तो बेहतर होगा और जिसको मतलब किसी भी कोरियन कि, किसी के साथ भी इंट्रैक्शन नहीं है उसका बेसिक जो एजेंडा या जो मोटिव है वो बेसिकली गो वेद ट्रेंड था या प्रॉब्लम क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सी था क्योंकि उसको भी पता है वो ना वो कभी किसी कोरियन से मिला है ना उसका कभी कोरियन का इंट्रैक्शन है उसका जो भी तो उसने देखा है वो यूट्यूब से देखा है और यूट्यूब से बेसिकली उसने एक कन्फ्यूजन फॉर्म किया है और उस समय उन्होंने जिसने भी वीडियो बनाया था शायद उनका नाम निकिता है तो उनका जो वीडियो देखा वो ट्रेंड हुआ उसके कारण और भी लोग बात करने लगे और उसमें से नाइन्टी परसेंट लोग को उस उसम उसके बारे में कुछ पता नहीं था वो लोग से अपना मुंह चला रहे थे एज यूजल एनी वेज मैं अपने उस टॉपिक पे जिसमें मैं वो रेंट वाले की बात कर रहा हूँ बात कर रहे हैं उससे मैं थोड़ा रिसर्च करूँगा अगर मुझे लगता है कि सम्राट भाई सही है और वो जो रेंट वाले औरत है वो कुछ कर रही है पॉलिटिकल पावर प्रेशर दे रही करी हो रही उस पर भी एक वीडियो जाएगा उससे बाद में वीडियो बनेगा कि कैसे ये टेनेंट्स हक जमाते हैं और उस पर और भी चर्चा होगी बा, इन द नेक्स्ट वीडियो बट फॉर नाउ आई थिंक इंटरनेट गैंगस्टरगिरी करने से पहले एटलीस्ट औकात देख लेनी चाहिए कि भाई पहले तो इंटरनेट में बनेंगे भाई हमारा बहुत भोकाल है और भाई एक छोटा सा रियल लाइफ में हो जाएगा भाई वहीं पर फिसअी हो जाएंगे भाई गांध फट जाएगी तो ऐसे नहीं चलता भाई गैंगस्टर बनना है तो भाई ताव रखने है तो पूरे रखो बीच में फिसलो मत और आप फिर भाई इंटरनेट में भीख मत मांगो कि भाई मुझे बचा लो एनीवेज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो होप यू लाइक दिस वीडियो इंटरेस्टिंग इफ सो प्रेस द लाइक बटन अगर पसंद आए तो लाइक दबाइए नहीं पसंद आए तो डिसलाइक दबाइए कमेंट सेक्शन में जो बोलना है बोलिए ऐसे ही मुझे पता है कि उनके जो फैंस है उनको बुरा लगेगा तो भाई गाली ही देंगे जो करना है करो कमेंट सेक्शन द्वारा है ज्यादा गंदा हुआ तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा कमेंट को बट एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड वी मीट मीन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन पीस आउट